तो गाइज आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके यूट्यूबर के लिए, जो नए यूट्यूबर है उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का इंट्रो को किस तरीके से बना सकते हैं एक ऐप के जरिए। तो उस ऐप का नाम है इंट्रो मेकर। तो इंट्रो मेकर को आपको प्ले स्टोर से जाना है, इंस्टॉल कर लेना है और उसे किस तरीके से यूज करना है ये पूरी ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैसल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एपटेक हिंदी चैनल में। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कुछ नया सीखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इंट्रो मेकर वहां पर सर्च कर लेना है और ये आप लोग देख रहे हैं आपका इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसे ओपन कर लेते हैं हम, और ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और जो दिख रहा है आपको VIP करके, तो यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट परचेस करने पड़ेंगे तो ही आपको उस इंट्रो को यूज कर सकते हैं। तो ऊपर साइड आप देख सकते हैं माय पॉपुलर नेचर सिटी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको किस टाइप की इंट्रो चाहिए अपने चैनल में या फिर वीडियो में लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंट्रो भी मिल जाएंगे। तो समझो मैंने ये कुछ इंट्रो को डाउनलोड करके रखा हूँ मैंने, तो आपको दिखा देता हूँ एडिट करके। तो ये मैं एडिट पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद ये प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके का ये इंट्रो है। तो ये हमारा इंट्रो है। अब इसमें भी बहुत सारे आपको एडिटिंग करनी है तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एडिटिंग करने की। तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप अपना चैनल का भी नेम ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आप अपना नेम भी ले सकते हैं। ये मैंने अपना चैनल का नेम ले लिया हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे चैनल के टेक्स्ट को चेंज करने का इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे VIP वाले, अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। ये नीचे टेक्स्ट आप देख सकते हैं। अब नीचे सबसे नीचे आपको कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट में साइज का, तो इस तरीके से आप अपने साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सेकंड मिल जाता है एलिजन का, तो ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, आपको सेंट्रल एकदम बीच में लेना है या लास्ट में लेना है या आगे लेना है। अब सबसे नीचे मिल जाता है कलर वाला ऑप्शन, तो आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको ऊपर साइड दिख रहा है आउटलाइन, तो ये आउटलाइन पर क्लिक करके ये भी दिखा देता हूँ। तो आउटलाइन इस तरीके से आप आउटलाइन कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ये और आउटलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है शेडो का, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है शेडो में रेडियस का, तो ये रेडियस का ऑप्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे कलर भरा हूँ इसके किनारे आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। ऑपेसिटी भी इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये था शेडो वाला ऑप्शन। तो ये हम सब पूरा प्रोसेस कर लिए हैं। अब ये मैं वापस आ जाता हूँ, पहले इसे साइज कम कर लेता हूँ इसकी आउटलाइन की। अब डन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये हमने सेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम आ रहा है एपटेक हिंदी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्लाइड कर लीजिए, फिर नीचे साइड अंगूठा रख के स्लाइड कर लीजिए, फिर ऊपर आपको जो बांध दिख रहा है उस पर टैप करके स्लाइड करना है, और आपको कहाँ तक के अपने चैनल का नाम लेके जाना है वहाँ तक के आप ले जा सकते हैं। तो आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ ये। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलता है स्टिकर का, तो स्टिकर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे। नीचे आप साइड देख सकते हैं माय पॉपुलर टेक्स्ट एनर्जी, तो यहाँ पर बहुत सारे है। तो ये आप देख सकते हैं जो इस पर डाउनलोड नहीं मांग रहा है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। यहाँ पर भी आपको VIP वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ से परचेस करके आप स्टिकर ले सकते हैं। तो ये मैं डाउनलोड करा वो आपको दिखा देता हूँ, ये हम मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ और डन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो पिक्चर है इस पर मैं टैप करके यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस साइड चाहिए। तो मुझे ये नीचे साइड चाहिए मेरे चैनल के नाम के नीचे, तो मैंने नीचे कर लिया हूँ और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया एकदम अब परफेक्ट।
और फिर डन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये हो गया है। अब आपको ये कहाँ तक के चाहिए, तो आपको सिंपल सा वही प्रोसेस करना है, बाँध पे क्लिक करके स्लाइड करना है, फिर धीरे से ऊपर टैप करके स्लाइड करना है, फिर धीरे से स्लाइड करना है। अब आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये हो रहा है। तो ये ऑप्शन था मेरा स्टिकर का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है म्यूजिक का, तो म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप बहुत सारे म्यूजिक भी इस ऐप में मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ से आपको वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इंट्रो डायनामाइक बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और ये चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, तो यहाँ से आप लाइब्रेरी से भी सिलेक्ट करके म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। ये मैं ओपन कर लिया हूँ और मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ से कहाँ तक के म्यूजिक ऐड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कट का, तो कट कहाँ से करना है आपको, यहाँ से करना है आपको कट, ये डन पे क्लिक कर लेना है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ऑडियो नहीं चल रहा है मोबाइल में, मेरे कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से ऑडियो नहीं लग पा रहा है। तो इस तरीके से आप ऑडियो भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑप्शन मिल जाता है साउंड का, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा देखने को, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऐप के अंदर या फिर लाइब्रेरी से चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का, तो यहां से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इस तरीके के पिक्चर मिल जाएंगे आपको यहां पर, इस तरीके कस्टम मिल जाएंगे, स्टिकर मिल जाएंगे, वो भी आपको डाउनलोड करके इस तरीके से ऐड करना है। तो मैं डन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया हूँ, ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी। अब मुझे ऊपर डन वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। तो ये एक्सपोर्टिंग हो रहा है, वीडियो मेरा अभी सेव हो रहा है। तो ये हमारा वीडियो सेव हो चुका है, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो मैं तो आपको ट्यूटोरियल के हिसाब से दिखाया हूँ, आप इससे भी अच्छी, बहुत ही अच्छी तरीके से एडिटिंग करके आप अपने चैनल का इंट्रो भी बना सकते हैं या फिर और किसी चीज़ के लिए इंट्रो बनाना है तो बना सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके से इंट्रो मेकर को यूज करना है। तो मेरी ये वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कैसी रही हमारी ये वीडियो। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा कुछ नया सीखने के लिए, तो देखते रहिए अपटेक हिंदी चैनल कुछ नया सीखने के लिए।